हम में से हर कोई अधूरा है क्योंकि अधूरी हैं हसरतें। हम हमेशा पूर्णता की खोज में आधे अधूरे रहते हैं। इस बात को जिस लेखक ने बड़ी महारत के साथ समझाया था वो है हिंदी लेखक मोहन राकेश। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज में आज हम बात करेंगे हिंदी के नई कहानी दौर के जाने माने लेखक और नाटककार मोहन राकेश के बारे में। लेकिन इससे पहले एक अपील, अगर आप गैर जरूरी खबरों के शोर में ऐसी जरूरी जज्बातों की बात सुनना चाहते हैं, जिंदगी को संवारने वाले साहित्य का संग चाहते हैं तो क्विंट के मेंबर बनिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हिंदी लेखक मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित मोहन राकेश पेशे से वकील थे, लेकिन वो साहित्य और संगीत में खास रुचि रखते थे। वो मुख्य रूप से अपने नाटकों आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहानी के क्षेत्र में सफल लेखन के बाद नाट्य लेखन में नए रास्ते खोले। हिंदी नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद का दौर उन्हीं के नाम से जाना जाता है। मोहन राकेश ने अपने नाटकों के जरिए हिंदी को पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी पहचान दिलाई। इब्राहिम अलकाजी, ओम शिवपुरी, श्यामानंद जालान, राम गोपाल बजाज और दिनेश ठाकुर जैसे जाने माने इंडियन डायरेक्टर्स ने मोहन राकेश के नाटकों का निर्देशन किया। मोहन राकेश के परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय थी। वो किराए के मकान में रहा करते थे। पिता की मौत के बाद मकान मालिक ने अर्थी उठने तक से रोक दिया था। ऐसे हालात में उनकी माँ की चूड़ियां बेची गईं, उसके बाद उनके पिता की अर्थी उठाई गई। मोहन राकेश अपनी डायरी में अपने माँ के बारे में लिखते हैं, माँ का जीवन कितना अनात्मरत और निस्वार्थ है, जैसे उनका अपना आप है ही नहीं, जो है घर के लिए है, मेरे लिए है। अम्मा धरती की तरह शांत रहती हैं, मेरे हर आवेश उद्वेग को वे धरती की तरह सह लेती हैं। सच में मेरी माँ बहुत बड़ी है। मोहन राकेश ने अपनी पहली नौकरी साल 1944 से 45 के दौरान 500 रुपए के मासिक वेतन पर एक फिल्म कंपनी में बतौर कहानीकार शुरू की थी। इस दौरान उन्होंने अपनी पहली पटकथा फिल्म दिन ढले लिखी थी। साल 1957 से 1962 के बीच मोहन राकेश के दो अहम नाटक आषाढ़ का एक दिन और उपन्यास अंधेरे बंद कमरे पब्लिश हुए। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिंदी प्रोफेसर बीरपाल सिंह क्विंट से बात करते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जीवन के जो पहलू हमें दिखाई नहीं दे रहे थे उनको उघाड़ कर मोहन राकेश ने हमारे सामने रखा। अपनी कहानियों में मोहन राकेश ने समाज के उन अछूते प्रश्नों और मुद्दों पर बात की जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता था। प्रोफेसर बीरपाल बताते हैं कि मोहन राकेश के नाटक संवाद धर्मिता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें जो ठीक लगता था वो उसी तरह से उन्होंने लिखा है। उनका नाटक आधे अधूरे से हम समझ सकते हैं कि हम हमेशा पूर्णता की खोज में आधे अधूरे रहते हैं। मोहन राकेश के लेखन और जिंदगी से ये सीखा जा सकता है कि हम जिन स्थितियों में हैं उन्हें स्वीकार करें, उनसे कुछ सीखें और अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करें। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिंदी प्रोफेसर उपेंद्र सत्यार्थी क्विंट से बात करते हुए कहते हैं कि मोहन राकेश जी मध्य वर्ग के बीच लोकप्रिय लेखकों में सबसे ज्यादा प्रासंगिक लेखक हैं। आधे अधूरे में मध्य वर्गीय समाज के टूटन और विघटन को उन्होंने रेखांकित किया था, जो आज भी समाज में मौजूद है। इसलिए मध्य वर्गीय दास्तान को समझने के लिए मोहन राकेश को पढ़ना बहुत जरूरी है। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक में हिंदुस्तान के बंटवारे का दर्द और टीस देखने को मिलती है। मोहन राकेश लिखते हैं, तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। देख फतेह दीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर सुखी भटियारन की भट्टी थी जहां अब वह पान वाला बैठा है। यह नमक की मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक ललाइन वह नमकीन होती थी कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियां और लाल तुर्की टोपियां दिखाई दे रही थी। लाहौर से आए मुसलमानों में काफी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर छोड़कर जाना पड़ा था। उपेंद्र सत्यार्थी कहते हैं कि मोहन राकेश ने स्त्री पुरुष, पति पत्नी, बाप बेटे के बीच के रिश्तों के टूटन को अपनी कहानी और नाटकों में बड़ी बारीकी से पकड़ा है। उनकी कहानी एक और जिंदगी में पति और पत्नी के बीच टूटता हुआ बच्चा इसका एक उदाहरण है। मोहन राकेश अपने जीवन में मित्रों को खास महत्व दिया करते थे।
वे खुद कहते थे कि उनके जीवन में पहला स्थान लेखन, दूसरा स्थान मित्रों का है और आखिरी में उनका परिवार आता है। साल 1971 में मोहन राकेश को नेहरू फेलोशिप मिली और उन्होंने नाटक और शब्द विषय पर शोध कार्य शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।